हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट निर्मा यूनिवर्सिटी चांसेस ऑफ एडमिशन फॉर सेकंड राउंड। दोस्तों, अब निर्मा यूनिवर्सिटी की बात करें ना, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो सीट का यहाँ पर बाइफरकेशन करके आपको दिखाता हूँ। निर्मा यूनिवर्सिटी में 100 सीट्स है, तो उसके अंदर से फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर 40 नंबर ऑफ सीट्स ACPC के अंडर आती है। ये 40 नंबर ऑफ सीट्स में से यहाँ पर ऑलमोस्ट 32 से लेके 35 सीट बुक हो जाती है यहाँ पर राउंड नंबर 1 के बाद, और वेरी माइनर, वेरी कम, मतलब 5 से 7 सीट ही बचेगी आपके यहाँ पर राउंड नंबर 2 की। तो निर्मा में राउंड नंबर 2 में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है राउंड नंबर 2 में, बट काफ़ी कम हो जाते हैं। और जो स्टूडेंट का मेरिट रैंक जो राउंड नंबर 1 की जो PDF हुई थी, रिलीज हुई थी, और उससे 500 से लेके 1000 के क्राइटेरिया के बीच में है, तो फिर यहाँ पर आपको निर्मा यूनिवर्सिटी में राउंड नंबर 2 के अंदर एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अभी के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड EC इंजीनियरिंग की। अगर मैं यहाँ पर मैकेनिकल, सिविल और दूसरी निर्मा यूनिवर्सिटी की ब्रांच के बारे में बात करूँ, तो फिर यहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं राउंड नंबर 2 के अंदर एडमिशन मिलने के। बट यहाँ पर निर्मा यूनिवर्सिटी की टॉप डिमांडेड ब्रांच, जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर की बात करूँ, EC की बात करूँ, तो फिर यहाँ पर आपके चांसेस कम रहते हैं राउंड नंबर 2 में। हाँ, चांसेस है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला 5 से 7 सीट बची रहेगी, उसके अंदर अगर आपका मेरिट 500 से लेके 1000 के बीच में है, तो फिर यहाँ पर आपके हाई चांसेस बन जाते हैं राउंड नंबर 2 में एडमिशन मिलने के। बट इसके अलावा यहाँ पर अगर 1000 से ज़्यादा डिफरेंस है, तो फिर यहाँ पर आपको राउंड नंबर 2 के अंदर एडमिशन मिलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, ठीक है। सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।